माय नेम इज प्रदीप कुमार जांगिड़। सो हम एके गोराई देखेंगे। एके गोराई से रिलेटेड थ्योरी और न्यूमेरिकल, जैसा हम लास्ट क्लास में बात किए थे, इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, माइनिंग बेसिकली हम दो टाइप से पढ़ते हैं, जिसमें एक में होता है मेटल, जो मेटल माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें इसमें देखते हैं, एक होता है कोल। जैसा कि हम SCCL पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कोयले का ज़्यादा अनुभव चाहिए हमको, कि उसके बारे में नॉलेज भी चाहिए। तो बेसिक हम ज़्यादा फोकस कोल पे करेंगे। एक एक गोरे में ज़्यादा जो भी आएगा मेटल से आएगा तो वो देखेंगे। मेटल का उसमें कम पार्ट दिखा था मेरे को, कोयले का ज़्यादा दिखा है। तो वो एक एक गोरे में बेसिकली 10 चैप्टर है। ठीक है, माइनिंग मेथड, रॉक मैकेनिक्स, माइन वेंटिलेशन, माइन इन्वायरमेंट, माइन सर्वे, माइन मशीनरी, माइन सिस्टम इंजीनियरिंग, माइन इकोनॉमी, माइन ड्रेसिंग और जियोस्टेटिक्स। अब ये 10 चैप्टर में जो हमारे SCCL एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, वो हम स्टार्ट करते हैं। जब तक अगर सिलेबस आ गया तो अच्छी बात है, वरना पहले वो हम वो डिस्कस करेंगे जो पहले पिछले पेपरों में सिलेबस में था। अगर जरूरत पड़ी सो आई विल कंसीडर दूसरे जो चैप्टर नहीं कवर किए उनको भी मैं कर दूंगा। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माइनिंग मेथड टुडे। सो माइनिंग मेथड में सबसे पहले लिखा हुआ है एक एक गोरे में कि व्हाट इज मतलब कोल रिजर्व, कोल प्रोडक्शन, इनकी जानकारी दी गई है। सो कोल रिजर्व और कोल प्रोडक्शन जो डाटा एक एक गोरे में मेंशनड है वो बहुत पुराना है। सो आई हैव टेकन दिस डाटा फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स। सो इन दिस यूएसए हैज ए लार्जेस्ट कोल रिजर्व, हाउ मच, 1/4। ठीक है, जो लगभग अगर एक्यूरेसी में देखें तो 23%। फिर रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना और इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व, जिसके पास 10% है पूरे वर्ल्ड का कोल रिजर्व। सो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाला यह है कि इंडिया के पास कितना प्रतिशत है, 10%। ठीक है, सो इंडिया हैज ओनली 10% रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, सो फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व। देन वी कम टू द प्रोडक्शन। सो चाइना हैज प्रोड्यूस 3.7 बिलियन टन, विद फर्स्ट रैंक। देन इंडिया सेकेंड रैंक। बट इन दोनों का डिफरेंस दो देखते हैं। इफ यू कंसिडर द डिफरेंस इज द नियरली 4 टाइम्स चाइना, एंड चाइना हैज ए रिजर्व ओनली 30%, 13%, एंड इंडिया हैज 10%। सो क्या व्हाट चाइना इज डूइंग, विच टाइप ऑफ मेथड चाइना इज डूइंग, यू कैन सर्च ऑन गूगल फॉर योर क्यूरियसिटी, बट इट इज नॉट इन अवर सिलेबस और इट इज नॉट डिजायरेबल, सो आई विल नॉट डिस्कस। बट फॉर योर क्यूरियसिटी यू कैन चेक व्हाई चाइना इज प्रोड्यूसिंग दैट मच। नाउ कम टू द इंडिया। इंडिया झारखंड हैज ए लार्जेस्ट रिजर्व विच इज ए 26%। देन उड़ीसा। सो यू शुड नो द बेसिक लोकेशन ऑफ अवर स्टेट ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। और मुझे जहां तक पता है यू इन SCCL एग्जाम में 80% सिलेबस इज योर माइनिंग एंड देन 20% इज नॉन माइनिंग। सो बेसिकली यू शुड नो यूपी, ये MP, इन दिस एरिया NCL इज सिचुएटेड। इन दिस रीजन वी से छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, सो कोयला यहाँ पे भी बहुत निकलता है। इस रीजन को वी मेनी माइंस आल्सो सिचुएटेड, लाइक भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड
इंडिया का जो कोकिंग कोल यहां से निकलता है, इसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। सो यू शुड आल्सो नो दिस, बहुत बार पूछ लेता है डायरेक्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू का इंपोर्टेंस। तो यहाँ पे BCCL, ECL है, यहाँ पे NCL है, तो इस जगह पे कोयला मिलेगा। झारखंड और उड़ीसा, ये अपना झारखंड है इस जगह, और ये हमारा उड़ीसा है ये वाला। तो झारखंड और उड़ीसा के पास लार्जेस्ट रिजर्व है। देन वी कम टू छत्तीसगढ़। तो इन दिस एरिया द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल, सो वी हैव डिस्कस द कोल रिजर्व इन वर्ल्ड। देन वी गो टू इंडिया एंड कोल प्रोडक्शन वी हैव डिस्कस्ड। अब हम वी विल डिस्कस द प्रोडक्शन। सो CIL हैज द टारगेट इज 780 मिलियन टन, ये मिलियन टन में है, ठीक है, और SCCL इज 70 मिलियन टन, ये टारगेट है 2023-24 का। CIL की ग्रोथ 10% से हो रही है, SCCL की 5%। कैप्टिव एंड अदर माइनिंग इतना है और इसका ग्रोथ हो रही है 26। अब यू मे आस्क दैट व्हाई ही इज डिस्कसिंग दिस डाटा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई नो, बट सम डाटा मे आस्क, सो यू शुड रिमेम्बर स्मॉल आइटम, यू कैन रिमेम्बर फ्यू डाटा, सो मे बी इट विल हेल्प यू इन द ऑप्शन कटिंग। कभी कभी ऑप्शन को रिजेक्ट करने में काम आता है। इंडिया में आई हैव डिस्कस दो टू टाइप्स ऑफ कोल, कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल। देन टोटल इम्पोर्ट, इंडिया इम्पोर्ट भी करता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, और कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल को रेशियो। तो कोकिंग कोल और कोकिंग कोल हमारे इंडिया में थोड़ा कम यूज होता है, अगर नॉन कोकिंग कोल हमारे यहाँ 3 से 4 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है, कि नॉन कोकिंग कोल ज्यादा निकलता है। तो आप सब माइनिंग के हो, तो आप यू शुड नो कि नॉन कोकिंग कहाँ कहाँ यूज होता है, यू शुड ऑल्सो नो कोकिंग कोल कहाँ कहाँ यूज होता है। नाउ आई विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल वी हैव स्टडी इन 10th और 9th क्लास दैट कोल इज बेसिकली 4 टाइप्स, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड। हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट पिट कोल। सो लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड, 3 टाइप्स को ही हैज फर्दर डिवाइडेड सब बिटुमिनस एंड बिटुमिनस, ठीक है। तो यहाँ पे लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। ये आप फिर क्यूरियोसिटी के लिए आपको एक फैक्ट देता हूँ कि इंडिया हैज एंथ्रेसाइट रिजर्व इन, सो यू कैन सर्च ऑन गूगल वेयर एंथ्रेसाइट फाइंड इन इंडिया। जैसे जैसे मान लो कोयला जो डेप्थ में मिलता है, ये अपना ओपन कास्ट है। इफ वी कंसीडर दिस अर्थ, इफ वी गो इन डेप्थ, टेम्परेचर विल इंक्रीज, ओके, एवरीबडी नो, डेप्थ के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। सो जैसे जैसे हम माइनिंग करेंगे, सो टेम्परेचर विल इंक्रीज, डेप्थ के साथ टेम्परेचर विल इंक्रीज, ओके। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल विल आल्सो इंक्रीज, मॉइस्चर कंटेंट वो कम होगा, और एस और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा। समझे? नहीं समझे होंगे कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेप्थ के साथ, तापमान बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा,
जैसे जैसे नीचे जाएंगे मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, मतलब उसमें पानी की मात्रा कम होगी, ठीक है, गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चर कंटेंट कम होगा ही। जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे कार्बन कंटेंट अच्छा होगा, मतलब अच्छा कोयला मिलेगा, तभी हम देख रहे हैं ये कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एंथ्रेसाइट मिल रहा है, ऊपर मिलता है लिग्नाइट, डेप्थ के साथ ऊपर लिग्नाइट मिल रहा है, डेप्थ के साथ एंथ्रेसाइट मिल रहा है, उससे ऊपर बिटुमिनस मिलेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे मॉइस्चर कंटेंट कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। ये देखो अब इसी चीज को देखो कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है कोयले का टाइप बदल रहा है रैंक, तो रैंक अगर लिग्नाइट को 1 बोले हैं एंथ्रेसाइट को 4 बोले हैं, तो डेप्थ के साथ में द रैंक इंक्रीज, टेम्परेचर डेप्थ के साथ बढ़ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है और फिक्स कार्बन बढ़ रहा है, मतलब अच्छा कोयला मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज बोल रखा है, ये ग्रेडेशन ऑफ कोल। प्रिवेंट, आई विल डिस्कस कोकिंग एंड नॉन कोकिंग कोल, डोंट वरी इट इज माई जॉब। ये आप लोग देख लीजिएगा कि 3 टाइप के ग्रेडेशन होते हैं, स्टीम कोल, रबड़ कोल, स्टेक कोल, मेरे को ऐसा कोई इंपोर्टेंट लगा नहीं है। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस एनालिसिस ऑफ कोल। वी विल टेक 2 मेथड, एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस और एक होता है प्रोक्सीमेट एनालिसिस। इन द अल्टीमेट एनालिसिस व्हाट वी डू, जब ये कोल है, कोल सैंपल है, इसको इफ वी टेक इज मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट एंड इफ वी बर्न इट देन मेनी गैसेस वी रिलीज। ओके, सो इन दिस एनालिसिस कोल डिफाइंड एंड डिटरमाइन द कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन इन द मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, और जब ये फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ ओ निकालेंगे तो 100 माइनस कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन प्लस एस कंटेंट, दिस एस कंटेंट वी विल कैलकुलेट विद अदर मेथड, प्रोक्सीमेट एनालिसिस से अगला मेथड जो पढ़ेंगे वहां से निकालेंगे, और परसेंटेज सिली, परसेंटेज एच, परसेंटेज एस, परसेंटेज एन, ये अगर देगा होगा तो हम परसेंटेज ओ निकाल सकते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, अगर इफ दे विल आस्क अल्टीमेट एनालिसिस इन द एनी क्वेश्चन, ही विल गिव अस परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज सल्फर, परसेंटेज नाइट्रोजन एंड वी विल कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड मेथड इज प्रोक्सीमेट एनालिसिस। प्रोक्सीमेट एनालिसिस कटर में क्या होता है, एक तो हम मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर निकालते हैं, एक वोलेटाइल मैटर निकालते हैं, एक फिक्स कार्बन निकालते हैं और एक एस कंटेंट। यही एस कंटेंट की मैं बात कर रहा था कि वो अल्टीमेट एनालिसिस वी विल यूज इन अल्टीमेट एनालिसिस इफ ही आस्क परसेंटेज ऑफ ओ एंड अदर वैल्यू इज गिवन। ओके, तो व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस परसेंटेज एस, परसेंटेज फिक्स मैटर, वोलेटाइल मैटर, बिकॉज इफ वी नो द कोल्स दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिटरमाइन द रैंक ऑफ कोल। इफ वी नो द रैंक ऑफ कोल देन बायर एंड सेलर, कोयला कैसे निकाल के घर में थोड़ी ना रखना है, वी विल सेल और समवन विल बाय इट, सो दिस रैंक विल डिसाइड द बायर एंड सेलर कि कितनी प्राइस रखनी है, हाउ मच प्राइस फॉर इट। ठीक है, तो यही चीज है, तो जल्दी से निकल जाता है अल्टीमेट और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस अगर पता हो तो। तो अब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से हम क्या क्या निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या होगा कि 100 माइनस एम ए वी एम, मॉइस्चर कंटेंट, एस कंटेंट और वोलेटाइल मेटल। अगर इसको याद रखना हो तो ये ट्रिक मान लो, या ऐसे बकेती मान लो, फीमेल मैम, ठीक है, फीमेल मैम मतलब फिक्स कार्बन बराबर मॉइस्चर कंटेंट, एस कंटेंट और वोलेटाइल मेटल। ठीक है,
आप अपनी ट्रिकें बना के याद रख सकते हो, ठीक है, मेरे से जो बन पाएगी आई विल ट्राई टू मेक एनी ट्रिक एंड यू कैन मग अप, ठीक है, इससे हम फिक्स कार्बन निकाल सकते हैं। देन मॉइस्चर परसेंटेज, हाउ वी विल कैलकुलेट मॉइस्चर परसेंटेज, टेक ए कोल सैंपल देन ड्राई अप, तो ड्राई करने में उसका वेट कुछ लूज होगा ना भाई, इट्स वेट विल रिड्यूस, सो दिस वेट लूज आफ्टर द सैंपल एंड इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज मॉइस्चर निकलेगा, ठीक है। सो टेक ए सैंपल ड्राई इट एंड दैट वेट लॉस आफ्टर ड्राइंग द सैंपल एंड इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल इज नोन एज मॉइस्चर, ठीक है। अगला है एस, एस कंटेंट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एस, टेक ए कोल सैंपल, ठीक है, और बर्न इट, आफ्टर द बर्न राख बचती है ना, तो रेजिड्यू बचता है, सो आफ्टर द वेट, आफ्टर द बर्निंग वेट ऑफ रेजिड्यू एंड वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 को हम बोलेंगे परसेंटेज एस। तो अभी तक मैं दो तीन चीजें ही बोला हूं कि फिक्स कार्बन फीमेल मैम, परसेंटेज मॉइस्चर, वेट लॉस आफ्टर ड्राइंग द सैंपल बाय इनिशियल सैंपल, परसेंटेज एस, वेट ऑफ रेजिड्यू अपॉन वेट ऑफ सैंपल। ये सब डिस्कशन जो चल रहा है ना फिक्स कार्बन का, जो यहाँ पे हम फिक्स कार्बन निकाले, ये हम वेट बेसिस पे कर रहे हैं कि भाई सूखा होगा वो। अब जैसा कि पवन पूछ रहे थे कि भाई नॉन कोकिंग कोकिंग कोल के बारे में डिस्कशन करो, तो टाइप ऑफ कोल इज बेसिकली टू टाइप्स, कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल। कोकिंग कोल को फर्दर डिवाइड करते हैं हम 6 टाइप्स से, किस बेसिस पे, कैटेगरी ऑफ द कोकिंग कोल इज डन बेसिस ऑफ एस परसेंटेज, परसेंटेज एस हम निकालना सीखे हैं अभी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से निकल जाता है। सो अगर परसेंटेज ऑफ एस पता चल जाएगा कोकिंग कोल का, देन वी कैन डिवाइड इन फर्दर। तो इसमें होता है स्टील 1, स्टील 2, वाशरी 1, वाशरी 2, वाशरी 3, वाशरी 4, मतलब 6 टाइप से होते हैं, ठीक है। इसका परसेंटेज ऑफ एस को कैसे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज ऑफ एस, देखो इसको याद रखने का फिर से मैं बता रहा कि आपको 15 याद, 15 याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नाउ 3 3 ऐड करते जाओ, 15 से कम, 15 18, 18 21, 21 24, आपको 3 3 3, 3 3 3 3 टाइम 3 बार करना है, फिर 4 और 7, ये ट्रिक नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लो, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ था। 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 24 से 28, 28 से 35। अगर कभी पूछ ले कि 19% एस कंटेंट है, विच टाइप ऑफ विच ग्रेड ऑफ द कोकिंग कोल, देन 19 इज कंसिडर इन दिस रेंज, सो इट विल वाशरी 1। 27 बोल दे तो वाशरी 3, ठीक है, तो इतना बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। कोकिंग कोल अपन को बेसिक पूछेगा तो कोकिंग कोल ये पूछेगा नहीं, पर पता होना चाहिए कहीं यूज आ जाए, कहीं करना हो तो। कोकिंग कोल 6 टाइप से होते हैं, स्टील 1, स्टील 2, वाशरी 1, वाशरी 2, वाशरी 3, वाशरी 4। नॉन कोकिंग कोल, देखो कोकिंग कोल जो था वो परसेंटेज ऑफ एस कंटेंट पे बेस्ड था, ठीक है। नॉन कोकिंग कोल है वो हीटिंग वैल्यू पे बेस्ड है, ठीक है, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उसको नॉन कोकिंग कोल, ये बेसिक है, यू शुड नो व्हाट इज कोकिंग कोल एंड हाउ वी डिवाइड, व्हाई कैटेगराइज, हाउ कैटेगराइज इट, और व्हाट इज नॉन कोकिंग कोल या हाउ इट, हाउ वी विल डिवाइड इट। सो नॉन कोकिंग कोल इज आल्सो 7 टाइप,
ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ग्रेड एफ, ग्रेड जी, सेवन सेवन ग्रेड का होता है इसका। ये अलग अलग होता है, मुझसे याद नहीं हो पाया, आपसे हो तो कर लेना ठीक है। अंतर देखे तो 1100 आता है, फिर 900 के आसपास, 900 के आसपास, फिर 800, 700, 600 ऐसे कुछ था, आप देख लेना आपके हिसाब से। 1300 से स्टार्ट होता है, मैंने यही याद रखा था कि अगर जी कैटेगरी स्टार्ट होगी सो जी विल स्टार्ट इन 1300 और लास्ट में जाएगा तो 6200, इतना ही याद रखा था, आप देख लेना आपको जितना याद रखे। सो ए बी सी ये सेवन ग्रेड का होता है, वो सिक्स ग्रेड का होता है ठीक है। ये वाला याद करना बताया कैसे करेंगे, 15, 18, 21, 24, 28, 35 और नॉन कोकिंग कोल पता ही है। अब आते हैं दो प्रकार की इंडेक्स होती है ठीक है, एक होती है केकिक इंडेक्स, सेकंड होती है प्रोटो डाइकोनोवा, प्रोटो जाइकेनोवा, जिसको जैसे प्रोनाउंस करना है वो कर ले, प्रोटे जाइकेनोवा। तो केकिंग इंडेक्स में क्या होता है, सो आई विल टेक केयर ऑफ योर क्वेश्चन आफ्टर द क्लास ठीक है। सो केकिंग इंडेक्स में क्या होता है कि इसमें रेशियो ऑफ सेंड टू कोल होता है, कैसे कि अरे यार कभी भी अब एक बकेट भरेंगे आप 100 वेल का, तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि सारा कोयला ही आ जाएगा, कभी कभी थोड़ा बाहर भी आता है, और एक सैंपल कोई भी लेगा तो उसमें भी एस कंटेंट होगा या अदर मेट फॉरेन मेटल्स होंगे। सो इट इज सेइंग दैट रेशियो ऑफ सेंड टू कोल को ही हम केकिंग इंडेक्स बोलते हैं ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म दे रखी है आफ्टर कार्बोनाइजेशन, तो व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन क्या होता है आपको पता है ठीक है, नहीं पता तो बताता हूं। कार्बोनाइजेशन को क्या होता है कि फ्यूल हीटेड विदाउट एयर, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू द कोक। एयर हिंदी वालों के लिए कि अगर फ्यूल को हीट करेंगे ना जहां एयर नहीं प्रेजेंट हो, उसी प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं ठीक है, या फिर प्रोसेस इसे कन्वर्ट कर दे कोल को कोक में, उसी को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। आई एम सेइंग इट इन इंग्लिश एंड हिंदी आल्सो, डोंट वरी। सेकंड इंडेक्स इज प्रोटो डाइकोनोवा, प्रोटो डाइकोनोवा क्या होता है, ओके प्रोटो डाइकोनोवा में क्या होता है, आपने देखो यहाँ पे तो लेबोरेटरी सेट नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपने कॉलेजों में कहीं देखा हो या हमारे कॉलेज में था, तो एक ऐसा होलो रहता है और एक सा एक हैमर होता है ओके। सो इसमें सैंपल डालते हैं और इस हैमर को हम 5 बार गिराते हैं। सो इस दिस हैमर वी विल पुश 5 टाइम्स, सो कोल विल ब्रेक इन टू द पीसेस ओके। सो वाई वी डू द प्रोटो डाइकोनोवा इन इंडेक्स, इट इज यूज फॉर पिलर डिजाइन एंड हाइड्रोलिक माइनिंग ओके। सो मैं देखो कोई वीडियो, इफ आई फाइंड एनी वीडियो आई विल शो यू।
ओके okay. सो अब आपके थोड़ा चैट देख लेता हूं मैं। ओके सर, प्लीज टीच इन इंग्लिश, प्लीज मिक्सिंग विद हिंदी आल्सो। देखो मैं आई एम ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो। सो बिकॉज सम पीपल आर फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, सम आर इन इंग्लिश बैकग्राउंड, सो डोंट वरी, आई विल ट्राई टू बैलेंस इट मोर। वाट अबाउट कुकिंग एंड नॉन कुकिंग कॉल? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ब्रदर, हाउ टू आइडेंटिफाई द कुकिंग एंड नॉन कुकिंग कॉल। आई हैव डिस्कस द टाइप्स विच विल मे आस्क इन योर एग्जामिनेशन, और वाई वी डू द प्रोटो डाइकोनोवा टेस्ट, बिकॉज द हार्डनेस ऑफ द कॉल। ओके, नो ऑडियो इन द वीडियो। ऑडियो अगर नहीं आया है, इफ यू डिडेंट हर्ड द ऑडियो, देन यू शुड सर्च दिस वीडियो। एंड यार बार बार तो नहीं दिखा सकता, डिटरमाइन ऑफ द स्लेप ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स और टोटो डाइकोनोवा स्ट्रेंथ। यहाँ दो वीडियो मिलेंगे मेरे को, एक हिंदी में मिला था, एक इंग्लिश में मिला था। सो आई हैव ओन द इंग्लिश वर्जन। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। थोड़ा पीपीटी आगे देखते हैं। ओके, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंस कोल बर्निंग गैसेस। देखो कभी भी कोयल जो
अगर कोयले को जलाएंगे, इफ वी बर्न द कोल देन मेनी गैसेस विल इमिट, सो दिस गैसेस आर बेसिकली थ्री टाइप्स ही हैज डिस्कस. एक है वाटर, एक है प्रोड्यूसर गैस, एक है कोक ओन गैस या कोल गैस. ओके, सो यहां से क्वेश्चन मैंने, आई हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, सो यू शुड नो व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस, यू शुड नो व्हाट इज वाटर गैस, सो व्हाट इज कोल गैस, है ना. सो देखो, प्रोड्यूसर गैस यू शुड नो ओनली एन टू. ओके, इन द कोल गैस यू शुड नो ओनली सी एच फोर. इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन बिकॉज सीओ सीओ तो सब में कॉमन है, एच टू एच टू एच टू सब में कॉमन है. डिफरेंशिएटर इज ओनली सी एच फोर और एन टू इन द कोल गैस एंड प्रोड्यूसर गैस. सो इफ दे आस्क, दे गिव द परसेंटेज, देन यू, इफ यू कैन रिमेंबर इट यू कैन, बट आई कैन आइडेंटिफाई विद दिस, सो आई एम टेलिंग यू दिस इंफॉर्मेशन. सो कोल गैस इज बेसिकली मेड अप ऑफ सीओ, एच टू एंड सी एच फोर. प्रोड्यूसर गैस इज मेड अप ऑफ मेन कंपोजिशन सीओ, एन टू एंड एच टू. वाटर गैस कंपोजिशन इज सीओ एच टू. ठीक है, इनकी हीटिंग वैल्यू है वो नहीं पूछेगा, अगर मुझे नहीं लगता पूछेगा. ठीक है, सो बेसिकली दे विल आस्क यू व्हाट इज द प्रोड्यूसर गैस, सो यू नो व्हाट इज अ वाटर गैस, यू शुड नो सीओ प्लस एस टू. व्हाट इज अ कोल गैस, तो सीओ प्लस एस टू प्लस सी एच फोर. सो यहाँ पे थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, कभी कभी हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा है 57%, तो थोड़ा बहुत पता होगा तो काम चल जाएगा, अगर इतनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो. कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कोल बर्निंग गैसेस आई हैव डिस्कस. नाउ आता है इंक्यूबेशन पीरियड. व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि इफ ये अर्थ, ठीक है, यहां कहीं कोयला है, सो इफ वी डू माइनिंग एंड वी रीच्ड टू द अवर ओर बॉडी, कोर बॉडी, फर्स्ट डे एक्सपोज, ठीक है, जब भी होगा फर्स्ट डे एक्सपोज, और जब इसमें हीट वो स्पॉन्टेनियस फायर होने लग जाएगी, उस ड्यूरेशन के बीच को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. ये ओपन कास्ट हो सकता है, इट मे ऑल्सो अंडरग्राउंड. सो देन वी एक्सपोज द कोल ऑन फर्स्ट डे टू दैट डे वेन इट विल स्पॉन्टेनियसली फायर. द टाइम इलेप्स इन द कोल इन द फर्स्ट एक्सपोज टू एयर एंड स्पॉन्टेनियसली फायर ऑफ द कोल कोल्ड इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोल. ठीक है, पहले दिन जब कोयले में आग, मतलब जब अपन कोयला एक्सपोज करते हैं धरती से, उस दिन से लेके जिस दिन उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है, उस दिन के ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोल. ठीक है, ये टॉपिक हमने अभी भी डिस्कस किए हैं. पहले हम सब देख रहे थे कि रिजर्व देखे, फिर हमने देखा प्रोडक्शन. ठीक है, रिजर्व में सबसे पहले कौन था? फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूएस के पास लार्जेस्ट रिजर्व है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड. फिर आई हैव डिस्कस प्रोडक्शन रिजर्व इन इंडिया, तो झारखंड के पास, फिर उड़ीसा के पास रिजर्व है, झारखंड के पास भी 1/4 है. ठीक है, और इंडिया के पास रिजर्व फिफ्थ फिफ्थ रैंक है, और प्रोडक्शन देखें तो फर्स्ट रैंक है चाइना के पास, सेकंड रैंक अपनी है. ठीक है, रैंक ऑफ कोल देखें कि फोर टाइप्स डिवाइड कर रखा था इन्होंने, फिर उसके बाद साइज ग्रेडेशन, फिर अल्टीमेट एनालिसिस डिस्कस करा था कि अल्टीमेट एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ ओ निकाल रहे थे हम, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एस कंटेंट और सल्फर कंटेंट नाइट्रोजन, ये चार थी, उनको माइनस कर 100 में से माइनस कर रहे थे तो ऑक्सीजन निकल रहा था. प्रोक्सीमेट एनालिसिस वी हैव डिस्कस, देन वी हैव डिस्कस नॉन कोकिंग एंड कोकिंग का टाइप्स देखा. ठीक है, देन वी डिस्कस द कैकिंग इंडेक्स, देन आई हैव डिस्कस द प्रोटोडाइकोनोवा, आई हैव ऑल्सो शोन यू वीडियो. फिर कंपोजिशन डिफरेंट टाइप ऑफ कोल बर्निंग गैस, कोल बर्निंग गैस देखे, वाटर गैस,
कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, एंड देन आई हैव डिस्कस इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोल। अब मेथड है बहुत सारे, तो एक बार आपसे थोड़ा वार्ता कर लेते हैं कि आज की क्लास में क्या आपको लगा कि थोड़ा स्पीड थोड़ा बताइए प्लीज कमेंट। शुड आई इंक्रीज माई स्पीड और डिक्रीज माई स्पीड और इट इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज कमेंट। रविंदर जी, रैंक ऑफ कॉल जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में बताया था, पहली दूसरी तीसरी स्लाइड होगी शायद, चौथी पांचवी छठी सात, ये रही। यहाँ पे ये बता रहा था मैं आपको, रैंक ऑफ कॉल चार टाइप का कॉल होता है, यहाँ पे रैंक ऑफ कॉल फोर थे, ठीक है। ओके शंकर जी, कोल गैस एक बार वापस देख लेते हैं। कोल बर्निंग गैसेस, कैन वी बर्न ए कोल सैंपल और कोल, मेनी गैसेस विल रिलीज, ठीक है। सो वाट, एक होती है वाटर गैस, एक होती है प्रोड्यूसर गैस, एक होती है कोल गैस। ऐसे बेसिकली इसने डिवाइड किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही होती है। ओके सो अकॉर्डिंग टू एके गोरोई थ्री टाइप्स, मतलब मेजर टाइप बता रखे इनने, कि इन एग्जाम में यही पूछेगा कि वाटर गेट, व्हाट इज वाटर गैस। वाटर गैस इज कम्बिनेशन ऑफ CO एंड H2, 40-50 रेशियो है। व्हाट इज अ प्रोड्यूसर गैस, अगर एग्जाम में पूछे तो आपको बताना है CO, N2 और H2, जिसमें नाइट्रोजन है 50% लगभग है। और इसमें प्रोड्यूसर गैस में आपको नाइट्रोजन से ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सिमिलर है कोल गैस में, बाकी इसमें। और कोल गैस पूछे तो CO, H2 और CH4, ठीक है। तो यही कोल गैसों का देखा, कोल गैस एक्सप्लेन हो गया। ओके सर, कंटिन्यू सेम लेवल, इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड। ओके तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली स्पीड ठीक है, मैं थोड़ी और इंक्रीज करूंगा, क्योंकि आज मैं फर्स्ट डे था तो उतना एकदम नहीं जाना चाह रहा था अपनी स्पीड पे, ठीक है। वोलेटाइल प्रोक्सीमेट एनालिसिस, प्रोक्सीमेट एनालिसिस में तो यार बताया ना आपको कि प्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या क्या चीज निकालते हैं। प्रोक्सीमेट देखो, दो तो आई हैव डिस्कस टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एक बोल रहा था कि अल्टीमेट एनालिसिस, दूसरा था प्रोक्सीमेट एनालिसिस। प्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम तीन चार चीजें निकालते हैं, एक मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, वोलेटाइल मैटर निकालते हैं, एक फिक्स कार्बन निकालते हैं, एस निकालते हैं, ठीक है। फिक्स कार्बन निकालने का फॉर्मूला यही था कि फीमेल मैम, फीमेल मैम, तो फिक्स कार्बन बराबर मॉइस्चर कंटेंट, एस कंटेंट है वोलेटाइल मैटर। फिर बाद में परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर बताया था कि अगर किसी सैंपल को ड्राई कर दिया जाए तो जो सैंपल बचेगा उसमें पहले वाले सैंपल का डिवाइड करेंगे तो उससे हम मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ एस, वेट ऑफ रेजिड्यू बटा वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। पर तो ये चीजें बात बताई गई अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में। और क्या, गुड सर, गुड निखिल, बैलेंस्ड सर। देखो बंटी जी, प्रीवियस क्वेश्चन गेट के मैं सारे, मतलब जितने इसमें एक गोराई में है आई विल डिस्कस, ओके। और अगर बाकी के जैसे एक गोराई में 2014-15 तक होंगे, 2014 और 15, आफ्टर वर्ड माइनिंग ज्ञान की बुक भी आती है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो, वरना मैं
मैनेजमेंट बोलेगा मैं सारा करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर भी करवा दूंगा गेट वाला, और ये प्रीवियस ईयर गेट वाले ही पिछली पिछली बार जो 2017-18 में जो पेपर हुआ था उसमें दे हैव टेकन द गेट क्वेश्चन, मतलब सिमिलर टू गेट टाइप क्वेश्चन, और इसमें गेट के क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल हम करेंगे तो वैसा आ ही जाएगा। ठीक है, एससीएल इंक्रीज नीड। अभी थ्योरी पार्ट देख रहा हूं मैं, एक दो दिन में ये जैसे थ्योरी होगी तो फिर इसकी न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे। ओके, आई विल डिस्कस थ्योर, मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि न्यूमेरिकल सोल्व करना, बट बेसिक थ्योरी मुझे जितना बताना वो बताऊंगा जब ही मैं न्यूमेरिकल पे जा पाऊंगा। और कभी मैंने जब अभी कोचिंग चालू हुई है जब हम तैयारी करते थे तब नहीं थी, तो हम भी यही करते थे, पहले वी रीड द थ्योरी देन वी सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। है ना, प्रीवियस ईयर करेंगे, प्रीवियस ईयर भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, सब करेंगे हम। और कोई क्वेश्चन या फिर आपको लगता है कि सजेशन कि पीपीटी में और कुछ इंक्लूड करना है, और ऐसे में कभी कभी आपको वीडियो दिखाना ठीक रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं यार हमको तो लिंक भेज देना, आई वी विल वॉच इट, अगर आपको जैसा लगेगा हम वैसा कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलें। चलो बोर्ड एंड पिलर कर लेते हैं, है ना। ठीक है, बोर्ड बोर्ड एंड पिलर कवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी 10 मिनट है अपने पास। देखो बोर्ड एंड पिलर अंडरग्राउंड में जब भी हम बात करेंगे तो अंडरग्राउंड में बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना, बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल मेथड। तो जब बोर्ड एंड पिलर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, पिलर बने होते हैं, पिलर बनाते हैं हम। ये आप थ्योरी में उतना ही बताऊंगा जितना एक एक गोरी में। ठीक है, अब आप यहाँ पीएचडी करने बैठो कि मैं आपको सारी थ्योरी बता दूंगा तो वो आई विल नॉट गो फॉर इट। सो मेरे को जितना रिक्वायरमेंट रहेगा न्यूमेरिकल में मैं उतना ही बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, बोर्ड एंड पिलर बने रहेंगे। ठीक है, सो इस पिलर की जो लेंथ है और गैलरी है और डेप्थ है, कि भाई बोर्ड एंड पिलर अगर मान लो ये अपना अर्थ है, अर्थ से नीचे जाएंगे तो कितनी डेप्थ पे, कितने हाउ हाउ व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पिलर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गैलरी, ये डिसाइड करने के लिए ये फॉर्मूला आता है। जब मैंने पेपर दे रहा था गेट का कुछ 16-15 ऐसा कुछ आसपास, 16-17 के आसपास था, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि इफ द विड्थ ऑफ द गैलरी इज दिस एंड द डेप्थ ऑफ द माइंस और डेप्थ ऑफ द सीम इज 160, और ऐसे कुछ बोला था 160 का, तो हम ऐसे जाके ये आंसर लगाना था। ठीक है, तो सो दे विल नॉट गिव यू द टेबल। ठीक है, सो दे विल नॉट गिव यू द टेबल, सो वी हैव टू मग अप दिस टेबल, सो वी कैन इफ दे विल आस्क अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सोल्व इट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो याद करने का थोड़ा तरीका मैंने तो बनाया था, मैं बता देता हूं कि आपको इतना ही इतना तो याद होना चाहिए, है ना, इतना, और आगे ज्यादा याद कर सकते हो, अगर आप और भी ज्यादा याद कर सकते हो तो कर लेना, बट इफ यू यू हैव टू मग अप दिस थिंग ऑल। सो 12 13, इसमें देखो 1.5 का डिफरेंस है, फिर इसके बाद 3 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है ना, तो आपको ये वाली अगर वैल्यू याद है तो इसमें 1.5 जोड़ो, फिर एड 3, फिर देन 6, फिर दिस वैल्यू यू विल कंसिडर दिस, नो सॉरी कैसे था वो? ओके, यहाँ पे भी देखो
1.5, 3 और 6। यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 3 है, बट ये 6 नहीं है, ये 8 है। तो ये वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बाकी सब याद हो जाएंगे कि कैसे, कि 12, 13.5, देन 16.5, तो 1.3, 3 एंड देन 6, 19.5, इतना याद रह जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ 15 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 18 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16.5, 19.5, ये भी 1.5, 3 और 6, 25.5, ऐसे ही है। सो अब आप बोलोगे कि यार इसको याद कराने, थोड़ा मैं हिंट दे रहा, आप याद आपको ही करना है, यू हैव टू मगअप, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है। सो कैसे क्वेश्चन पूछता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दे विल से कि इफ द विड्थ ऑफ द गैलरी इज 3.6, या कोई न्यूमेरिकल में यूज करवा लेगा, एंड द डेप्थ कितनी दे देगा, मान लो वो दे दिया एक 180, सो चूज द पिलर, ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पिलर, पिलर की डेप्थ और गैलरी का वो सब निकालने को बोल सकते हैं। तो अपन को यहां से क्या निकलती है कि अगर 1.3.6 दे रखा है, मतलब ये ठीक है 3.6, फिर बोल का डेप्थ तो 1.80 इज आएगी, तो इसमें जाएंगे तो ये आएगी, ठीक है, इस टाइप से करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस, ये वाली जो दे रखी है ना, ये वाली, ये सारी, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पिलर्स, जो दो पास में जो भी सिलर होंगे, शेल नॉट बी लेस देन, मतलब क्या बोला है, इफ द टू पिलर, ये पिलर और ये पिलर, इफ द टू पिलर आर एडजस्टेड, सो इनके सेंटर, ये डिस्टेंस है ना, ये इससे निकल रही, और ये गैलरी की हाइट इनने दे ही रखी है 3.6, सो वी विल माइनस इट एंड डिवाइड बाय देन पिलर की, पिलर की विड्थ निकल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं बोर्ड एंड पिलर, इसमें बोर्ड एंड पिलर में दो और कुछ चीज समझानी थी, जैसे द बोर्ड एंड पिलर, पिलर होंगे ऐसे, ठीक है। सो अगर मान लो इसमें गैलरी किसको बोलते हैं, ये होती है गैलरी, ओके, और ये होती है अपना पिलर की विड्थ, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। इन दिस कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ, ये फॉर्मूला वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है, बट ये मतलब ये इसका सिंपल वर्जन है, क्योंकि सिमिलर साइज के ही होंगे पिलर, ये जितना होगा वही इतना होगा, इसका जो ये होगा ये स्क्वायर ही होगा, है ना, तो जितना ये होगा वो इतना ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो कैलकुलेशन दे रखा है वो अनइवन वाले के लिए दे रखा है, जैसे कि ये विड्थ की विड्थ अलग होगी, ये वाली विड्थ अलग होगी, मतलब ये रेक्टेंगल होगा, तो ये ए वन दे रखा है इसने, ये ए टू दे रखा है, ठीक है, ऐसे ही इसने ये बी वन दे रखा है और ये बी टू, ऐसा कुछ दे रखा है, ओके। सो अगर मान लो ये ए वन ए टू ऐसा कुछ दे रखा है, मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ वो बताता है कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है ना, वो बताना चाह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि रेशियो ऑफ कोल एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू टोटल इंसिटू और वॉल्यूम ऑफ द कोल, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कोल एक्सट्रैक्टेड कैसे निकालेंगे, जैसे ये वाला पिलर निकाल रहे हैं, है ना, तो इसको ऐसे मानो, ये पिलर को, तो इसको बोल रहे हैं ट्रिब्यूटरी एरिया, पूरा एरिया, तो एक्सट्रैक्ट तो ये कोयला ये करेंगे ना, ठीक है। तो ये निकालने के लिए अब डायरेक्ट आपको पिलर की हाइट, तो ये एरिया अपन को ये वाला चाहिए ना, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्योंकि इसको ही निकालेंगे तो ये वाला एक्सट्रैक्टेड हो गया पूरा एरिया, तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा पेन लेता हूँ मैं समझाने के लिए, कि
जो अपना पिलर है वो तो A1 का है, A1 गैलरी है वो B1 है, सो B1 है तो ये B1/2 हो जाएगा, इधर भी B1/2 हो जाएगा, तो ये भी B1 ही होगी ना, तो ये जो पूरा है इसका विड्थ आ जाएगा A1+B1 है ना, और इधर जो आएगा ये वाला ये A2+B2 हो जाएगा, ऐसे ही समझ गए ना। तो इसको जब A1 और A2 को जब रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है ना, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है कि लेंथ इंटू विड्थ, तो A1+B1 A2/B2, तो ये वाला पूरा एरिया इसका पूरा ये ट्रिब्यूटरी का एरिया, इसमें से ये जो ये निकाल देंगे पिलर वाला, तो इसका तो A1 इंटू A2 था, इसको माइनस कर देंगे तो इसी चीज को ये बोल रहा है ट्रिब्यूटरी एरिया है ना, ट्रिब्यूटरी एरिया उसमें डिवाइड करेंगे A1+B1 इंटू A2+B2, मतलब कि ये पूरा A1+B1 A2+B2 ठीक है। तो ये वाला आर बहुत टफ है, तो मतलब टफ भी नहीं है ये, आप देखोगे समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ कि A1+B1 A2+B2 इससे पिलर निकाल देंगे तो जो खाली एरिया ये वाला बचा उसमें A1+B1 इंटू A2+B2 का भाग दे दो। अगर इसका सिंपल वर्जन की अगर मान लो ये सब बराबर हो, पिलर ही बराबर हो, इसका विड्थ दोनों साइड से बराबर हो, इफ द लेंथ इफ द विड्थ ऑफ द बोथ साइड इज इक्वल, जैसे ये ए है ये ए है और ये बी है ना, सब बी बी है, कोई बी बी वन बी टू का लफड़ा नहीं है, देन दिस फॉर्मूला विल बी क्या हो जाएगा कि ये देखो ये वाला तो इसमें डिवाइड हो रहा ना, ये वाला तो सेम ही था, तो इसको हम ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, या ऐसे लिख ही लो आप A+B या पेन मेरे से सही से यूज नहीं हो पा रहा, नया पेन है, इंटू ए बाय A+B A+B, इसको इसमें डिवाइड करेंगे सिमिलर वैल्यू है तो ये आ जाएगा ना, या 1+A A+B A+B, इसी को आर बोल रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बता ही रखा कि A1 A2 द पिलर की विड्थ है, फिर B1 B2 गैलरी की विड्थ है, ट्रिब्यूटरी एरिया, ट्रिब्यूटरी एरिया बताया था मैं, ट्रिब्यूटरी एरिया क्या था, ट्रिब्यूटरी एरिया मतलब कि ये पिलर है इसका जो आसपास का एरिया होगा ऐसा वाला, ये पूरा मिड पॉइंट से जाकर, तो इसको बोल रहे थे ट्रिब्यूटरी एरिया, तो ये वाला निकालना बताया था कि सिमिलर वाला हो अलग अलग हुआ तो A1+B1 इंटू A2+B2 माइनस A1 इंटू A2, अगर सिमिलर वाला हुआ तो उसमें तो सिंपल ही है A+B का स्क्वायर माइनस A² समझे, ट्रिब्यूटरी एरिया निकाल देगा। अब लोड एक्टिंग ऑन द पिलर, अरे यार अपन ये पिलर बनाई तो वाई वी आर क्रिएटिंग दिस पिलर टू होल्ड द लोड ऑफ द अपर अपर स्ट्राटा है ना, तो हाउ मच लोड ऑन दिस पिलर, दिस फॉर्मूला इज पी बराबर गामा, गामा क्या है एक वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सुपर रॉक का जो गामा है ना वो देगा अपन को देगा, टेंशन मत लो, डी डेप्थ वो देगा इंटू 1/1 - R, इस चीज से हम निकालते हैं क्या निकालते हैं हमारा लोड एक्टिंग ऑन द पिलर, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ वी विल कैलकुलेट आर इन द प्रीवियस स्लाइड, दिस वॉज द आर, अगर वहां पेपर में पूछेगा लोडिंग एक्टिंग ऑन द पिलर तो वहां दो पिलर बनाएंगे ऐसे, ऐसे ही कर बना लेना, ऐसे कर लेना, ये ए है ये B/2 B/2, तो ये पूरा बी मान लो तो ये A+B हो जाएगा सो इसको क्या लिखेंगे गामा इंटू डी इंटू वन, वो वन
वो वन माइनस था, वन माइनस ए इंटू ए बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है। वो वन प्लस माइनस बोल गया, प्लस का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या जाएगा, गामा डी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहां से हम वी विल कैलकुलेट लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। तो यहाँ पे ए क्या है, द लेंथ ऑफ द पिलर, मतलब विड्थ ऑफ लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द पिलर। बी क्या है, विड्थ ऑफ द गैलरी। आर क्या है, परसेंटेज एक्सटेंशन, जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर, स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर का भी ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि के डब्ल्यू अल्फा बाई एल बीटा। डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द पिलर, एल क्या है, हाइट ऑफ द पिलर। अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, आई डोंट नो दे विल आस्क दिस क्वेश्चन और बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, बट आई एम श्योर दे कैन आस्क ऑन दिस फॉर्मूलाज, सो यू शुड नो दिस फॉर्मूलाज। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो के ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, पहले तो यह बताओ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। फैक्टर सेफ्टी क्या होता है, एक पिलर है उस पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना, इसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैसे निकालते, कोयले की स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया ना आपने, प्रोटोजो का, प्रोटोजोआइक के नोवा इंडेक्स से हम स्ट्रेंथ ऑफ द कोल निकाल सकते हैं, ठीक है, जो वीडियो भी शो किया था, प्रोटोजोआइक के नोवा, साला नाम ही याद नहीं हो रहा मेरे को। ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर अगर आपको निकालना है तो वो तो हमको फॉर्मूला इधर देखा ही था, क्या के ओमेगा अल्फा एल बीटा, ठीक है, के ओमेगा अल्फा एल बीटा, ये तो क्या स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर, डिवाइडेड बाय कितना उस पे लोड लग रहा है, लोड एक्टिंग ऑन द पिलर। तो लोड एक्टिंग ऑन द पिलर तो हम निकालना सीखे हैं, ये वाला फॉर्मूला, लोड एक्टिंग ऑन द पिलर, ये वाला फॉर्मूला। तो जितनी स्ट्रेंथ को लोड से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो सारे फॉर्मूले याद नहीं रखो, ये तो आप निकाल लोगे, होता क्या वो पता होना चाहिए आपको। मेन मेन फॉर्मूला देखो, ये वाला याद होना चाहिए, या ये निकलता कैसे वो याद आना चाहिए, कि अगर अलग अलग भी दे, इफ ही आस्क गिवन अलग अलग वैल्यू देन यू ऑल्सो कैलकुलेट इट, वैसा ऐसा नहीं पूछेगा, वो सिमिलर वाला ही पूछेगा। और ट्रिब्यूटरी एरिया का यू नो, इफ द यू नो द बेसिक व्हाट इज ट्रिब्यूटरी एरिया तो यू कैन कैलकुलेट लोडिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रोना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर ये याद रख लेना, क्योंकि ये अगले वाले फॉर्मूले में काम आ रहा है। सो द यही रहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर बाय लोड एक्टिंग ऑन द पिलर, ठीक है। लाइन एक्सट्रैक्शन, ठीक है, अगर मान लो कभी भी बोर्ड एंड पिलर है ना, तो ऐसा रहेगा ना बोर्ड एंड पिलर, सो हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट द कोल। सो इसमें क्या जनरली डायगोनली वाला प्रिफर करते हैं कि ऐसे एक्सट्रैक्ट करो कोयला, तो डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन ये पूछा भी जाता है कि डायगोनल लाइन ऑफ कहाँ पे फॉलो करा जाता है। जनरली प्रिफर द फैसिलिटी टू गुड रूफ कंट्रोल, इससे रूफ कंट्रोल ठीक रहती है। कारण क्या है, जैसे आपने ये वाला एक्सट्रैक्ट किया तो अभी भी ये वाला जो कोयला है ये आपका लोड ले रहा है, इसलिए ये थोड़ा अच्छा माना जाता है। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन एक्सट्रैक्शन है, एक टाइप और एक्सट्रैक्शन का अदर मेथड इज स्ट्रेट लाइन एक्सट्रैक्शन। अगर आप ऐसे गए ना तो जिस टाइम यहाँ पे आएंगे तो ये पूरी लाइन खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक्सट्रैक्शन का मेथड है, पर प्रिफर ये डायगोनली लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक स्टीप डायगोनली लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन भी होता है। स्टीप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है, प्रिफर इन द पैनल वर्क इन द कंजक्शन विद द हाइड्रोलिक स्टोविंग एज इट फैसिलिटेट वाटर ड्रेनेज, ये वाटर ड्रेनेज को फैसिलिटेट करता है, इसलिए इसको हाइड्रोलिक स्टोविंग वाले में यूज किया जाता है। तो आपको बेसिकली ये पता करना चाहिए, डायगोनलिक लाइन वाला यूज करते हैं हम जब भी बोर्ड एंड पिलर में एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये प्रिफरेबल है, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखते हैं, कल से और डिस्कस कर लेंगे। तो आज मैंने डिस्कस करा वो मैं एक बार फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करा देता,
ठीक है, माइनिंग देखे, फिर उसके बाद चैप्टर्स देखे, रिजर्व देखे कि बिगेस्ट रिजर्व किसके पास है, अमेरिका के पास, और फिफ्थ इंडिया का है जिसके पास 10% है। देन वी हैव टेकन द प्रोडक्शन, सो चाइना हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देन इंडिया। ओके, इंडिया का तो आपको डाटा तक याद होना चाहिए कि भाई इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है। ओके, लेटेस्ट वाला भी पता होना चाहिए ना, अप्रोक्स पता होगा तभी तो लगा पाओगे। देन वी हैव डिस्कस्ड इन रिजर्व इन इंडिया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देन वी हैव डिस्कस्ड द सीआईएल रोल एंड एससीसीएल रोल की टारगेट कितना कितना, ये चेंज होता रहता है हर डिफरेंट ईयर, दे इंक्रीज द टारगेट ऑफ द कोल, क्योंकि एनर्जी डिमांड बढ़ी रही है इंडिया की। तो अब कोयला कितना, किसी किसी को ये भी डाउट आता होगा कि यार कोयले का फ्यूचर क्या है। तो एनर्जी इंडिया की एज ए डेवलपिंग नेशन बढ़ रही है ना, एनर्जी डिमांड बढ़ेगी जैसे जैसे डेवलप होंगे, वी रिक्वायर्ड एनर्जी। एनर्जी के लिए अब बहुत सारे सोर्स है, कोल है, फिर अपना सोलर है, फिर विंड है, फिर हाइड्रो एनर्जी है। तो अब कोयले का भले ही अभी जैसे 60% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एनर्जी में ना, इट इज कंस्यूम, सो इट विल डाउन बिकॉज सोलर इंक्रीज, विंड इंक्रीज, बट ओवरऑल एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजिंग, सो वी कैन नॉट सेट दैट दे कैन वाइप अप कोयला इन विद इन 10 ईयर। ओके, इट विल डेफिनेटली स्टे मोर देन 10-15 ईयर्स, सो डोंट वरी। तो CIL टारगेट 70-80, SCCL का टारगेट, कैप्टिव माइनिंग, फिर कोकिंग कोल, फिर वी हैव डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल जिसमें हमने देखा लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ठीक है। हियर वी आल्सो हैव डिस्कस दैट कि विद द डेप्थ, डेप्थ के साथ, डेप्थ इंक्रीज के साथ टेम्परेचर इंक्रीज, देन वी नो द मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज, फिक्स कार्बन बढ़ेगा, फिक्स कार्बन के साथ ये सारी चीजें आपको ओरली याद होना चाहिए। ये डाटा इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस डाटा, बट इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैन आस्क इन मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर रिलेशन और डेप्थ एंड फिक्स कार्बन रिलेशन, सो यू शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल, एनालिसिस ऑफ कोल देखा, अल्टीमेट एंड अप्रोक्सीमेट, अल्टीमेट एनालिसिस देखा कि वेन वी बर्न ए कोल देन कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन गैसेस विल प्रोड्यूस, एंड इन दिस फॉर्मूला कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन के साथ एस कंटेंट आता है, वी विल फाइंड आउट फ्रॉम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इनसे परसेंटेज ऑफ ओ निकल सकता है 100 माइनस, देन अप्रोक्सीमेट एनालिसिस आई हैव डिस्कस इट 2-3 टाइम्स, सो यू शुड नो व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट फिक्स कार्बन, मॉइस्चर कंटेंट, एस कंटेंट, फिर वोलेटाइल मैटर, फिर कोकिंग एंड नॉन कोकिंग देखा, कोकिंग कोल इज बेसिकली 6 टाइप, स्टील 1, स्टील 2, वाशी 1, वाशी 2, वाशी 3, वाशी 4, आई हैव टोल्ड यू दैट डिफरेंस इज 3-3-3, देन 4 एंड 7, ठीक है। सो ये जो कोकिंग कोल होता है, इट इज बेसिकली डिसाइडेड बाई द परसेंटेज ऑफ एस परसेंटेज ना, और वी हाउ वी विल कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एस बाय अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। नॉन कोकिंग कोल इज बेसिकली 7 टाइप, इट इज डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ हीटिंग वैल्यू, सो इफ यू कैन रिमेम्बर दिस, रिमेम्बर, और इट्स अप टू यू। और क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे माथे नहीं आने का कि सर ने बोला कि याद नहीं करना, आपसे होता है तो कर लो, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस केकिंग इंडेक्स, इट इज द रेशियो बिटवीन द सेंड टू कोल। ओके, और यहाँ हमने कार्बोनाइजेशन भी देखा है, कभी पूछ लो व्हाट इज द कार्बोनाइजेशन, सो इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द कोल इनटू कोक, और इट कैन आल्सो से दैट फ्यूल हीटेड विदाउट एयर। देन वी हैव सी द वीडियो प्रोटोडाइकोनोवा इंडेक्स, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ वी डू, अरे देन वी हैव डिस्कस अबाउट द कोल गैसेस जिसमें
कोल गैस प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस इज कोक एंड नाइट्रोजन, वाटर गैस इज कोक CO H2 और कोल गैस इज CO H2 CH4। इंक्यूबेशन पीरियड देखा कि कोल एक्सपोज होता है और जब उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है उस बीच के ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके देन वी हैव डिस्कस मॉडर्न पिलर डिस्चार्ज, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ट्रिब्यूटरी एरिया, लोड एक्टिंग ऑन स्ट्रेन पिलर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो अभी भी किसी को कुछ पूछना हो बताना हो तो ठीक है, वरना आज की क्लास यहीं पे एंड करनी चाहिए हमको। आपको कोई पूछना हो बताना हो कुछ कमेंट करके बताइए, वरना आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। कल आप हम इसके आगे देखेंगे।